उत्तरकाशी में बीते दिनों भारी बारिश और अतिवृष्टि से जिले में हुए नुकसान और क्षतिपूर्ति की समीक्षा बैठक करने के लिए प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी पहुंचे। तय कार्यक्रम के अनुसार उनकी बैठक जिला कार्यालय सभागार में होनी थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते ये बैठक आनन फानन में पर्वतारोहण संस्थान निम में कराई गई। वहीं जैसे ही ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो ग्रामीण निम की सड़कों पर भी विरोध करने पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीणों ने आपदा कार्यों में हो रही देरी, सड़क, बिजली और शहर में फैल रहे कूड़े और जगह जगह हो रहे जलभराव की समस्या को लेकर निम की सड़कों पर विरोध जताया। गली गली सरकार को एक धक्का और दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेमानों का राजों को वही बैठक खत्म होने के बाद जैसे ही प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी से रवाना हुए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काफी हद तक रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही प्रभारी मंत्री का काफिला निम बैंड के पास पहुंचा तो कार्यकर्ताओं ने भारी नाराजगी जताते हुए प्रभारी मंत्री के इस्तीफे की मांग के नारे लगाते हुए प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायक को काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंकिता भंडारी केस हो या प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, सभी मुद्दों पर सरकार और उनके मंत्री अनदेखा कर रहे हैं। विकास मंत्री होने के बावजूद भी कूड़े की स्थिति पे कुछ कहना नहीं है मंत्री का। विकास भवन की रोड, इस विकास भवन आने वाली रोड पिछली 6 बार यहाँ पर मिट्टी डाल चुके हैं पर अभी तक रोड का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ चाहे वो बोन में जो इंटर कॉलेज है वहाँ का पुल 1 साल पहले टूट गया था, आज भी बच्चे वहाँ खाले में पानी से होते हुए अपनी जान को जोखिम में जाके जा रहे हैं और ऐसे कई मामले हैं। पर ये जो मंत्री है न ये कूड़ा निस्तारण करेगा। जिला योजना की इन्होंने सबसे ज्यादा बंदर बांट की है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाकम सिंह जो जेल के अंदर है उसकी योजनाएं भी आपको विभाग में देखने को मिलेंगी। ऐसा इस मंत्री के कार्यकाल में हो रहा है और ऐसे मंत्री का हम काले झंडे नहीं और बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर इस मंत्री को हटाया नहीं गया तो आने वाले जितने भी भाजपा के यहाँ मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, उन सब का विरोध किया जाएगा। धन्यवाद। बड़े दुख की बात है कि आज प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ उत्तरकाशी आए थे और हम लोग उनसे मिलना चाह रहे थे। यहाँ अपनी जनपद की कई समस्या है, इस संबंध में उनसे हमारा ज्ञापन लिखा हुआ था, उनसे हमें मिलना था, लेकिन वो मंत्री जी जो यहाँ से जो है सुरक्षा से भाग गए, निकल गए, हमसे नहीं मिला। और इन मंत्री जी के आपराधिक जितने भी पिछले रिकॉर्ड हैं, भी सड़क में जो है एक राहगीर को चलते हुए चाटा मारना, अवैध रूप से जो है विधानसभा में नियुक्तियां करना, कई प्रकार की जो इनके द्वारा जो है कहीं इस प्रकार से कार्य किए गए हैं, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहां पर जो है कूड़ा है, ये शहरी विकास मंत्री हैं, लेकिन आज तक कूड़े का निस्तारण इनके द्वारा नहीं किया गया, इसलिए ऐसे मंत्री का हम बार बार विरोध करेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ये पहली बार विरोध नहीं हुआ है, इससे पहले भी उनकी कई बार फजीहतें उड़ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कैबिनेट मंत्री पर कोई असर नहीं पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।